लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव की अध्यक्षता में बूथ स्तर की एक बैठक शुक्रवार को निजामपुर स्थित एक मैरिज हॉल में आयोजित हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकसभा के कोऑर्डिनेटर शिशुपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 में बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक संगठित टीम तैयार करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कमेटी फ्रंटल के अध्यक्षों, उनकी कमेटी और पूर्व पदाधिकारियों संगठित कर पार्टी की रीतियों और नीतियों को जन जन तक पहुँचाकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करना है। बैठक में प्रोफेसर राम नरेश चौधरी, हरिद्वार पांडे, संजय चौबे, चेतना पांडे, नरसिंह नारायण त्रिपाठी, राणा राहुल सिंह, जयंत पाठक सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए शिशुपाल सिंह ने कहा, मैं आप यहाँ पे ये मत समझिए कि 25-50 वो यहाँ पे है। आप हमें कांग्रेस का एक सिपाही के नाते हमें अपना धर्म कर्म वचन निभाना है और इस आने वाले चुनाव के अंदर आप कई बुजुर्ग विराजमान हैं, कई चुनाव आपने देखे। ये चुनाव चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है, ये क्रांति का है, ये क्रांति है जो हिंदुस्तान की बड़ी चुनाव है और इसमें ये भागीरथी गंगा जो बह रही है कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व में। ये साथियों, मैं आपको एक शायरी समर्पित करता हूँ हमारे साथियों को। हो गई है पीर पर वसी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे साथियों, ये आग जलनी चाहिए। तो आपकी वो हमारे वहाँ पे कहावत है, खेत पे जो रखते हैं हम सागड़ी कहते हैं, जो देखभाल करते हैं। मुझे तो कांग्रेस के ये आपकी देखभाल के लिए एक सागड़ी के रूप में, मुझे आपके चपरासी के रूप में, मैं आप काम लो, मैं आपके ये आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के जो हैं उसके अंदर कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बूथ स्तर पर, हर बूथ पर कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ताओं का एक संगठित टीम तैयार करने के लिए जो हमारे यहाँ पे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे युवा कार्यकर्ता हैं और जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनको एक जिम्मेवारी संगठित रूप से, ताकि वो जो गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ जाकर कांग्रेस के आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती से वो काम करें और कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से मत मिले, समर्थन मिले, ताकि राहुल गांधी जी के, प्रियंका जी के हाथ मजबूत हो और गोरखपुर के अंदर पिछले वर्षों से जिस तरीके से कांग्रेस के ना होते हुए ना गोरखपुर का विकास, यहाँ पे बाढ़ आती है तो उसका कोई वो नहीं, गन्ना किसानों की मजदूरी अभी तक उनको मिली नहीं, बड़े बड़े वादे करते हैं योगी जी का अपना यहाँ शहर होने के बाद कितना पिछड़ा हुआ है गोरखपुर, और गोरखपुर की जन समस्याएं कितनी हैं, उन सब मुद्दों को लेकर और जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने 72,000 रुपये हर गरीब के घर में, उस गृहिणी के खाते में पहुँचे, उसका एक संकल्प, दृढ़ संकल्प न्याय जो है स्कीम, उसके अनुरूप जो उन्होंने किया है, हमारे कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी की इस स्कीम को लेके घर घर तक कार्यकर्ता जाएगा और गोरखपुर की जनता तक ये संदेश पहुंचाएगा। साथ ही युवाओं के लिए, किसानों के लिए उनका कर्ज माफ़ हो, गन्नाओं की फसल का उनको बकायदा उनका जो भुगतान है वो भुगतान हो, साथ ही इस क्षेत्र के विकास के लिए बाढ़ की जो विपदा होती है उससे बच के उसके लिए एक दूरगामी कोई परियोजना, कुछ उसकी योजना बने। इन सब मुद्दों को लेके कांग्रेस का कार्यकर्ता हर बूथ पे जाएगा और कांग्रेस की बात, राहुल जी की बात, प्रियंका जी की बात मजबूती से रखेगा। साथ ही प्रियंका जी के दौरे के आगामी जो दौरा है अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उसकी भी बहुत शानदार उनका स्वागत, उनका अभिनंदन, और जो कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के जोश है,
जो जुनून है हमारे क्रांतिकारी जिला अध्यक्ष राकेश यादव जी के नेतृत्व में, पूरे जिले की कांग्रेस मजबूती से सारे इस काम को पूरा अंजाम देने में जुटी हुई है, इसी संदर्भ में आज हमने ये बैठक का आयोजन किया था। प्रत्याशी चूंकि हमारा लोकसभा चुनाव गोरखपुर का जो है वो अंतिम चरण में 19 मई को है, तो अब लगातार जो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, उसके अनुपात के हिसाब से अब शीघ्र ही कांग्रेस अपना प्रत्याशी, ये हाईकमान का काम है, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व है वही तय करेगा। हमारा जो काम है वो यहाँ पे चुनाव समन्वय का काम है, हम उस काम में लगे हैं, हमारी जिला कांग्रेस, हमारी महानगर कांग्रेस और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता लगा है उसमें।